हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 6.26 कलर, दैट इज़ किसी लैंग्वेज में आप इसे बर्गंडी कलर भी कह सकते हो। जिसका टेक्निकल नेम है इस कलर का, वो है हमारा लाइट ब्राउन इरिडिसेंट रेड, या रेड इरिडिसेंट लाइट ब्राउन भी आप इसे कह सकते हो। तो हम इस कलर को मिक्स करेंगे 1:1 के रेशो में। जितना हमारा कलर होगा उतना हमारा इसमें डेवलपर ऐड होगा। हर ब्रांड का अलग रेशो होता है। मैं यूटिका का ब्रांड इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप अगर कोई और ब्रांड, जैसे अगर आप लॉरेल यूज़ करते हो तो उसका रेशो 1:1.5 होता है, और स्ट्रीक्स का रेशो सेम होता है। तो आप पढ़ लो, आप यूट्यूब पे लिखा होगा, उस रेशो के हिसाब से आपको मिक्स करना है इस कलर को। और वेइंग मशीन में हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्यूरेट अंदाज़ा मिल सके कि हम कितना मिक्स कर रहे हैं और ऊपर नीचे ना हो। तो हम अपने बेसिक सेक्शंस निकाल के, जैसे हम अपना अप्लाई करते हैं स्मूथनिंग क्रीम या केराटिन जिस भी तरीके से, उस तरीके से हम अपना ग्लोबल कलर को अप्लाई कर रहे हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कोई पैचेस ना आए, तो हमारी जो हेयर में पेनिट्रेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो अच्छे से होनी चाहिए। तो हम सारे हेयर में ऐसे ही अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर लेंगे, पतले पतले सेक्शन लेंगे, बहुत मोटे नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा अगर कुछ हेयर छूट गया बीच में तो आपका कलर अच्छा नहीं आएगा, उसमें पैचेस आ सकते हैं। और रेड्स में तो पैचेस वैसे ही बड़ी जल्दी दिखते हैं, तो आप किसी भी रेड्स के टोन में जा रहे हो तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि पैचेस नहीं आने चाहिए। तो हमने अपनी ग्लोबल की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन कर ली है। इसके हमने इसमें सारे अपने सेक्शंस में 1 इंच छोड़ दिया था। 1 इंच के लिए हम अलग से प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें कि हम 10 ग्राम 4 नंबर का कलर डाल रहे हैं, और हम अपना 20 ग्राम्स इसमें जो है अप्रॉक्स 25 ग्राम्स हम इसमें 6.62 डाल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि क्लाइंट के हमारे ग्रे हेयर भी हैं, तो ग्रे हेयर का कवरेज कभी भी 5 नंबर से ऊपर के कलर से नहीं होता है। तो आपको चेक करना आपके क्लाइंट का कितना ग्रे हेयर है, उसके हिसाब से आप 4 नंबर डालो। अगर आपको इसमें एक अलग वीडियो चाहिए कि आपको कितने ग्रे हेयर पे कितना परसेंट 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर डालना चाहिए, उसकी वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगी। तो इसलिए हम रूट टचअप अलग से कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रे कवरेज भी करना है, 6.62 से ग्रे कवरेज नहीं होगा। तो हम सारे हेयर पे एक एक सेक्शन वापस से निकाल के हम अपने रूट्स पर कलर को अप्लाई कर लेंगे। और हमें अप्रॉक्सीमेटली, हमारी ट्यूब का टाइम है 30 मिनट्स, हमें कलर लगा के छोड़ना है। लॉरियल का टाइमिंग 35 मिनट्स होता है, माजी रिल सीरीज़ में, माजी ब्लॉन्ड में 45 मिनट्स का होता है। तो वो आपकी ट्यूब पे हमेशा मेंशन होता है, आप अपनी ट्यूब को देख के उस हिसाब से करोगे। और मैंने हमारा ग्लोबल और रूट टचअप दोनों ही 20 वॉल्यूम से मिक्स करा है, क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं थी। मेरे क्लाइंट का ऑलरेडी 5 से 6 नंबर का हेयर था। तो अगर हाँ, आपका क्लाइंट का हेयर 4 नंबर है और अगर आपको इस कलर पे लेकर आना है, तब आप उस केस में 30 वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो ग्लोबल में, बट आप 30 वॉल्यूम रूट पे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। सो ये गाइस, हमने 35 मिनट्स लगा के छोड़ दिया था और वॉश कर दिया। उसके बाद दिस इज़ आर फाइनल रिजल्ट कलर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर आपको आगे किसी भी तरीके की और वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो वाली मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।